वेलकम बैक। देखिए, फ्लूइड मैकेनिक्स को आगे कंटिन्यू कर रहे हैं और कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ पर डिस्कस करेंगे। इससे पहले लास्ट लेक्चर में कुछ एमसीक्यूज़ पे हम लोगों ने डिस्कस किया था, आई होप आपने उसको देखा होगा। देखो, ये सब सारे क्वेश्चंस जो हैं एग्ज़ाम में पहले भी आया है, फिर आ सकता है। और आप यहाँ पर जैसे ये सब क्वेश्चन देखोगे तो कुछ तो डायरेक्ट आपको रिजल्ट्स बेस्ड है, तो आपको टाइम नहीं लगेगा बनाने में। तो पहले आप ट्राई करो, डेफिनेटली आपसे बन जाएगा। देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। यहाँ पे देखो, जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर द फ्लूड और फ्लूड्स एट रेस्ट। ओके, तो एट रेस्ट पोजिशन पे कौन सा नीचे में करेक्ट है, ये आपसे पूछ रहा है। प्रेशर एट ईच पॉइंट ऑफ ए फ्लूड एट रेस्ट इज द सेम इन ऑल डायरेक्शन। तो ये तो हम लोगों ने पढ़ा था, एक छोटा सा थ्योरम टाइप का भी है ये सब, ठीक है। तो ये करेक्ट रिजल्ट है, ये इट इज़ ट्रू। इन ए फ्लूड एट रेस्ट अंडर ग्रेविटी डेंसिटीज एट एनी टू पॉइंट इन द सेम हॉरिजॉन्टल प्लेन आर इक्वल, है ना। अगर एक सेम हॉरिजॉन्टल प्लेन लिया जाए तो सेम हॉरिजॉन्टल प्लेन में क्या होता है, हम जानते हैं कि टोटल प्रेशर एट एनी पॉइंट इक्वल रहता है। तो वहाँ पे क्या आप देखोगे कि चूँकि सेम डेफ्थ है तो डेंसिटीज भी आपका वहाँ पे इक्वल आ जाएगा, ठीक है, इसी जो है मतलब के प्रॉपर्टी के आधार पे। फिर है, द फ्री सरफेस ऑफ ए फ्लू ऑफ ए हैवी फ्लूड एट रेस्ट इज हॉरिजॉन्टल, सही है। मान लो जैसे कोई भी है, ठीक है, फ्लूड है, अगर आपका उसका फ्री सरफेस आप देखोगे ना, अगर ग्लास आपका तिरछा भी होगा, ठीक है, ऐसे भी आप रखोगे तो फ्लूड आपका फिर ऐसे रहेगा उसमें, यानी वह हमेशा वो हॉरिजॉन्टल रहता है, आप देखोगे, ये तो आप नोटिस किए हो ना, ठीक है। तो फ्लूड जब भी लोगे लिक्विड को तो वो हमेशा क्या होगा, हॉरिजॉन्टल होगा, कभी भी किसी और शेप में नहीं रहता। ऐसा नहीं कि आपने ग्लास को तिरछा कर दिया तो फ्लूड भी ऐसे होगा, ऐसा नहीं होता, बल्कि वो हमेशा स्ट्रेट हो जाए, हमेशा पर सीधा हो जाएगा, हॉरिजॉन्टल हो जाएगा, ठीक है। तो ये बात इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये अंडर ग्राविटी होता है ना, हैवी फ्लूड है मतलब इसमें मास है, तो ये अंडर ग्राविटी, ठीक है, अंडर ग्राविटी क्या होता है, ये अपना रोल प्ले करता है। ओके, तो चूँकि ग्राविटी हमेशा क्या होता है, वर्टिकली डाउनवर्ड होता है, इसलिए ये इसके अगेंस्ट में क्या है, अपने आप को हमेशा हॉरिजॉन्टल रखता है, ठीक है, बात फॉलो कर रहे हैं ना। ओके, तो ये हमेशा हॉरिजॉन्टल होगा, तो ये भी आपका एक करेक्ट स्टेटमेंट है। अच्छा, ऑल इज़ करेक्ट, तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर 4 होगा वो आपका करेक्ट होगा। तो इस तरीके से आपको बनाना है, मुश्किल क्वेश्चन नहीं था, ठीक है, आई होप आप लोगों ने भी इसको इसी तरीके से किया होगा। नेक्स्ट देख लेते हैं क्या है क्वेश्चन नंबर यहाँ पे आपका 2। टू नंबर देखो क्या है, बोलता है द सर्फेस ऑफ सेपरेशन ऑफ टू हैवी फ्लूड्स टू हैवी होमोजीनियस लिक्विड्स दैट डू नॉट मिक्स एंड आर रेस्ट अंडर ग्राविटी इज, ठीक है। सर्फेस ऑफ सेपरेशन, तो सर्फेस ऑफ सेपरेशन क्या होता है, हमेशा हॉरिजॉन्टल होगा, ठीक है ना। अगर दो फ्लूड है तो दो फ्लूड है जो आपस में मिक्स नहीं होता है, तो उसका जो सर्फेस ऑफ सेपरेशन होगा वो क्या होगा, हमेशा हॉरिजॉन्टल होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है, बिल्कुल एक रिजल्ट है जो आप लोगों ने पढ़ा था, ठीक है। अच्छा, ये आप PDF में भी ये सारा रिजल्ट आप देख सकते हो। ओके, सारा ये सब छोटा थ्योरम करके आपको BSc लेवल पे पढ़ना था, तो वही सब आपको यहाँ पे पूछा हुआ है, तो 1 आपका यहाँ पे करेक्ट होगा। आगे देखो फिर क्या है क्वेश्चन नंबर 3। 3 नंबर है, बोलता है ए स्मॉल यूनिफॉर्म ट्यूब इज बेंट इन टू द फॉर्म ऑफ ए सर्कल हुज प्लेन इज वर्टिकल, लोअर हाफ ऑफ ट्यूब इज फील्ड विथ लिक्विड्स। ओके, तो इस तरह का क्वेश्चन हम लोग पहले भी किए थे। देखो, यूनिफॉर्म ट्यूब है, सर्कल के फॉर्म में है, वर्टिकल प्लेन पर रखा हुआ है, ठीक है। अच्छा, लोअर हाफ यानी जो आधा नीचे का है वो भरा हुआ है लिक्विड से, इसमें एक 1/4 ऑफ लोअर हाफ हैज़ लिक्विड ऑफ डेंसिटी 2 ρ। तो जो आधा नीचे का पोर्शन है उसका 1/4 तो इस लिक्विड से भरा हुआ है, और अदर 2/4, ओके, एंड अदर 1/4 हैज़ इक्वल क्वांटिटीज ऑफ 2 लिक्विड्स ऑफ डेंसिटी रो एंड सिग्मा एंड 3 ρ। जबकि जो दूसरा 1/4 बचेगा लोअर हाफ का, उसमें 2 लिक्विड है इक्वल क्वांटिटी में है रो एंड 3 ρ का डेंसिटी से। द रेडियस पासिंग थ्रू द कॉमन सर्फेस सिग्मा एंड 3 σ मेक्स थीटा एंगल देन थीटा इज। इस तरह का क्वेश्चन हम लोगों ने पहले भी किया था, ठीक है। तो कुछ करना नहीं है, सिचुएशन यहाँ पर ड्रॉ करेंगे, 3 लिक्विड का ये केस है, सिचुएशन ड्रॉ करेंगे, ठीक है, अप्लाई करेंगे हम लोग किसी एक हॉरिजॉन्टल लाइन पे इक्वालिटी ऑफ प्रेशर का कॉन्सेप्ट, और बिल्कुल बिंदास तरीके से बनेगा। तो मैंने पहले आपको यहाँ पे सिचुएशन दिखाता हूँ, ठीक है। तो देखिए, ये मैंने सिचुएशन को यहाँ पे प्लॉट कर दिया है, जो 3 तरह का जो यहाँ पे फ्लूड है तो उसको मैंने 3 अलग अलग कलर से दिखाया है। एक देखो येल्लो है, ग्रीन है, और आपका यहाँ पर रेड है, राइट। तो हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं अच्छे से कि चूँकि बोल रहा था कि जो लोअर हाफ है वही पूरा लिक्विड से भरा हुआ है, तो ये लोअर हाफ मैंने भर दिया, ये पूरा डायमीटर है, ठीक है, अपर हाफ पूरा आपका खाली है।
लोअर हाफ में भी जो एक क्वाड्रेंट है वो टू रो जो है डेंसिटी वाले फ्लूड से भरा हुआ है, सो ये है आपका टू रो डेंसिटी वाला फ्लूड, ओके। जबकि जो अदर क्वाड्रेंट बच गया उसमें दो तरह का है, एक है रो एक है आपका थ्री रो। अब देखो डेफिनेटली जो थ्री रो है ना वो क्या है, वो रो से बड़ा है, तो ऐसे केस में जो भारी है, जो भारी लिक्विड है वो नीचे होगा बॉटम की तरफ और हल्का वाला ऊपर होगा, सो ये डेफिनेटली ये थ्री रो वाला होगा और ये आपका रो वाला होगा, ये आपको केयरफुली ध्यान रखना है, ठीक है। ये हो गया, तो यही सिचुएशन है। यहाँ पे अगर मैं रेडियस आर ले लूँ तो ये रेडियस आर है, ये भी आपका रेडियस आर है, ओके। अब मैं यहाँ पे थीटा सपोज कर लेता हूँ कि ये जो ग्रीन कॉलम है ये थीटा एंगल बनाता है विद द वर्टिकल। तो आपको बोला था जो कॉमन सरफेस है, कॉमन सरफेस देखिए ये कॉमन सरफेस हो गया दोनों का, इन दोनों लिक्विड का, इसका जो कॉमन सरफेस है रो और थ्री रो का, ये अगर थीटा एंगल बनाता है विद द वर्टिकल तो इस थीटा का वैल्यू क्या होगा, ये हमको फाइंड आउट करना है, राइट। अब देखो ये अगर थीटा है तो ये क्या होगा, ये होगा 90 माइनस थीटा। अब जैसे मैं ऊपर काम किया था बिल्कुल उसी तरीके से मैं काम करने वाला हूँ, मैं क्या करूँगा, मैं एक हॉरिजॉन्टल, मैं एक जो है लाइन ले लेता हूँ, ठीक है, हॉरिजॉन्टल लाइन। देखो वो लाइन मैं ये ले रहा हूँ बिल्कुल बॉटम पे, ये वाला ये मैं ले लेता हूँ लाइन, ये बिल्कुल बॉटम पे मैंने एक हॉरिजॉन्टल लाइन ले लिया। तो डेफिनेटली जो टोटल प्रेशर होगा बाई द येलो फ्लूड ग्रीन फ्लूड एंड रेड फ्लूड ऑन दिस हॉरिजॉन्टल लाइन वो क्या होगा, वो आपका इक्वल होगा, राइट। तो मैं ऐसे कह सकता हूँ कि इस पॉइंट पे प्रेशर फ्रॉम दिस लेफ्ट साइड, ये जो आपका लेफ्ट साइड का लिक्विड कॉलम है येलो कॉलम वाला, उसके जरिए जो प्रेशर होगा वही प्रेशर जो है फ्रॉम द राइट साइड यानी आपका येलो और प्लस ग्रीन के द्वारा जो प्रेशर है वो सम, उसका सम जो है इस पॉइंट पे इक्वल होगा, ठीक है। तो हम लोग क्या कहेंगे, हम लोग बोलेंगे हम लोग लेंगे प्रेशर एट पॉइंट, इसको मैं कुछ ले लेता हूँ, इसको मैं ले लेता हूँ ए, ठीक है। सो प्रेशर प्रेशर ऑफ फ्लूड फ्लूड एट लोअर मोस्ट पॉइंट, लोअर मोस्ट पॉइंट ए। तो ये चाहे आप इधर से निकालो चाहे इधर से, दोनों इक्वल आना चाहिए, ठीक है, बाय द कॉन्सेप्ट के एक हॉरिजॉन्टल लाइन पे टोटल प्रेशर आपका इक्वल रहता है। तो देखो कैसे करेंगे हम लोग यहाँ पे, तो हम लोग बोलेंगे कि प्रेशर, पहले मैं निकाल लेता हूँ प्रेशर, प्रेशर ड्यू टू फ्लूड, ड्यू टू फ्लूड ऑफ डेंसिटी टू रो, ऑफ डेंसिटी टू रो, ठीक है। तो टू रो के कारण जो प्रेशर आएगा वो क्या आ जाएगा जी, तो वो आपका आ जाएगा, एक तो आपका एटमोस्फेरिक प्रेशर आएगा, ठीक है, पाई प्लस क्या होता है रो जी एच होता है। तो यहाँ पे रो मेरा टू रो है, जी और एच, एच है आपका इसका लिक्विड कॉलम का डेप्थ, ठीक है, या बोलिए कि इस हॉरिजॉन्टल लाइन के ऊपर इस लिक्विड कॉलम का हाइट। तो डेफिनेटली ये दिख रहा है आर ही है, पूरा रेडियस के इक्वल है, सो इट इज़ सिंपली आर। ये हो गया, अब मैं निकाल रहा हूँ प्रेशर, प्रेशर ड्यू टू फ्लूड, फ्लूड ऑफ डेंसिटी, ऑफ डेंसिटी रो एंड थ्री रो, ठीक है। यानी कि बात ये समझिएगा, ये हम लोग जो निकाले हैं ना, ये हम लोग निकाले हैं ए के लेफ्ट हैंड साइड का जो लिक्विड कॉलम है उसका प्रेशर, अब ए के मैं राइट हैंड साइड का जो लिक्विड्स है उसका प्रेशर निकाल रहा हूँ, ठीक है। तो क्या होगा, अगेन देखो एक पाई होगा प्लस रो जी एच, तो एक तो आपका रो होगा इस रो के लिए जी और इसका लिक्विड कॉलम का डेप्थ। तो यहाँ पे एक चाहो तो आप ऐसे जो है इसका डेप्थ निकालने के लिए एक आप इसको ऐसे मिला दो, ठीक है, यहाँ से इस पॉइंट को, और इस पॉइंट का मैं नाम ले लेता हूँ, तो मैं यहाँ पे आर को हटाता हूँ, ठीक है, इसका मैं नाम ले लेता हूँ, सपोज करो ये मेरा नाम है एम और ये मेरा सेंटर कर देता हूँ ओ, ठीक है। तो इसका हाइट क्या है, इसका डेप्थ हो जाएगा ओ एम, ओके, प्लस फिर आपका थ्री रो डेंसिटी का, तो थ्री रो इंटू जी इंटू एच। अब थ्री रो वाले का क्या हो जाएगा, तो बच जाएगा जो मैंने, आप कह सकते हो कि आर माइनस ओ एम, क्योंकि पूरा तो रेडियस है, ठीक है, ये जो बीच का जो इसका जो गैप है, ठीक है, ट्यूब का, तो हम लोग उसको बिल्कुल नैरो मानते हैं, ठीक है, नेग्लिजिबल मानते हैं, तो रेडियस ही पूरा हो जाएगा, तो रेडियस माइनस क्या हो जाएगा आपका ओ एम, तो आपको ये बीच वाला एम ए बच जाएगा जो कि इसका इस लिक्विड कॉलम का हाइट है एबव दिस हॉरिजॉन्टल लाइन, राइट। तो ये पहले हम लोग बात करते आए हैं, अब देखो यहाँ पे जो वैल्यू आ जाएगा वो क्या आ जाएगा जी, इज इक्वल टू पाई प्लस रो जी। ओ एम का वैल्यू क्या लिख सकते हैं, देखो ये आपका रेडियस ही है, अगेन दिस वन इज रेडियस, अगर ये रेडियस है तो ओ एम का वैल्यू क्या होगा, चूँकि ये थीटा है तो डायरेक्टली इसको आप लिख सकते हो क्या, आर कॉस थीटा, सो इट इज आर कॉस थीटा, राइट, प्लस थ्री रो इंटू जी
आर माइनस फिर से ओ एम, तो ये आपका क्या है, ये आपका है आर कॉस थीटा, राइट, ये है। अब चलो हमको कुछ करना नहीं है, सिंपली हमको क्या करना है, इन दोनों प्रेशर को इक्वल कर देना है, ठीक है। देखो क्या होने वाला है, तो बिल्कुल बिंदास तरीके से ये बन जाएगा। अब हम जस्ट जो है फाइनली पहुंच रहे हैं, देयरफॉर क्या होगा, देयरफॉर आपका आ जाएगा ये प्रेशर और ये प्रेशर, आपका राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड की वजह से जो दोनों प्रेशर है वो आपस में बैलेंस इक्वल रहेगा, ठीक है। तो मैं क्या लिखूँगा, पाई प्लस टू रो जी आर इधर से इज इक्वल टू, यहाँ पे आपका आ जाएगा पाई प्लस रो जी आर कॉस थीटा प्लस थ्री रो जी आर को कॉमन ले लेते हैं, वन माइनस कॉस थीटा। तो देखिए ये आपका पाई पाई कैंसिल हो जाएगा, देखो आपका जो है रो जी दोनों तरफ कॉमन आ जाएगा, ऐसे मैं लिख देता हूँ टू रो जी आर है इधर, ठीक है, इधर भी हम लोग देखो रो जी आर को कॉमन ले लेते हैं, सो वी हैव कॉस थीटा प्लस थ्री से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो थ्री माइनस थ्री कॉस थीटा ये बचेगा, ओके। अब देखो यहाँ पे ये रो जी आर पूरा कैंसिल हो जाएगा, सो फाइनली वी हैव टू इज इक्वल टू कॉस थीटा माइनस थ्री कॉस थीटा, इट इज़ माइनस टू कॉस थीटा प्लस थ्री। यहाँ पे सोल्व करेंगे हम लोग तो क्या आ जाएगा, टू कॉस थीटा इज इक्वल टू वन, सो कॉस थीटा इज इक्वल टू वन बाई टू। अगर कॉस थीटा वन बाई टू है तो थीटा क्या होगा, तो थीटा डेफिनेटली होगा यहाँ पे हमारा, सो पाई बाई थ्री इज़ द करेक्ट ऑप्शन। तो 60 डिग्री देखो आ रहा है, ठीक है, पाई बाई थ्री मीन्स 60 डिग्री, यहाँ पे जो कॉमन सरफेस से जो एंगल बनना था वो क्या है, वो आपका 60 डिग्री करेक्ट ऑप्शन है। देखो ऑप्शन नंबर फोर इज़ करेक्ट हियर। तो देखो मुश्किल क्वेश्चन नहीं है, पहले भी मैंने आपको बताया था कि जो भी आपको टाइम लगेगा सिर्फ थोड़ा सा सिचुएशन को समझने में लगेगा, वरना काम करना तो बहुत ही ईजी होता है, ठीक है। तो आई होप आपके लिए फ्रूटफुल था ये लेक्चर, इसी तरह का क्वेश्चन एग्जाम में अगर आता है तो आपको करने में मुश्किल नहीं होगी। अच्छा लगा लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए सब्सक्राइब कीजिए, पढ़ते रहिए, और अगर आप पूरा कोर्स करना चाहते हो तो उसके लिए आप मेरा एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हो, एप्लीकेशन का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ठीक है। चलो ठीक, थैंक यू वेरी मच।